मने छेड़ो मत परिये नहीं बोलिए क्या बताऊं न बोलिए मैं प्याली पी लू ते सकी ना बहन यार दवा मिले ऐसी कौन सी बीमारी हुई तुलसी की दवाई ना मिले छो मैं आकर न्यू बोलिए मेरा तो नाग लड़की न्यू बोलिए यार भी क्यों बीमारी हुई गांव गांव में गालू बैठे तेरा जहर एक मिनट में चूस दे बोलिए हम गाड़ूआ की दुआई को ना लग और किसकी लग गई बहन यार दवा मिले ये थाए राजा सलेभान जब शाम के वक्त महल में आए तो उससे पहले और पूर्णमल का और नूणादे का तो मुकदमा हो ही चुका था। पूर्णमल हाथ छुटा कर चला न बोली देख ले मौका साहिब जी, जो मेरी बात मानता हो तो राजपाट ये धन दौलत ये गहने वस्त्र आभूषण अरे गणी क्यों कवाओ तो बस मैं तेरी दसू। न कहने लगा नहीं मौसी, मेरा और आपका ये माँ बेटे का नेक रहेगा चाहे जमीन और आकाश बदल जाए। न बोली कहते मेरी बात न मान ले और ना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। क्यों? तेरी आंख निकलवा के गड्डी के नीचे फोड़ूंगी और तेरे शरीर कत्ल करवा के जो कुछ खून निकलेगा उसमें चीर भेद कर मैं सर पोट दूंगी। एक तरफ तेरी मौत है, एक तरफ तेरा ये राजपाट ये धन दौलत की मौत मस्ती क्या बताएंगे। न बोली पूरण माली तू सोनता जाए रंगाल तेरे फूल
बड़े गैरा के नाम है। बड़े गैरा के नाम देखे अपने के लग थे आहारी रा
थैया दिखे से
डोला डाट कहार के मेरा पिया जी कैसे कौन के हकीकत की औरत ने सपने में हकीकत को देखा, हकीकत को जबरन मुसलमान बनाने के बहाने से और गिरफ्तार किया गया, लाहौर शहर में जेल के अंदर बंद कर दिया। इधर से वहां उसकी औरत चार कहार के डोले को उठा के और इधर से हकीकत को पुलिस गिरफ्तार करके और कहा कि अदालत में पेश करने के लिए जा रही थी, रास्ते में सेठ फेट हो जाती है। वह लक्ष्मी कहने लगी, भाई कहार को कि हाथ डोले को रोकिए, कुछ ऐसा नजर आया जैसे मेरे पति हो। क्या बताया भला, इस झगड़िया की 25 पैसी लाहौर की होगी, मारा पिटी बेजती घने दौर की होगी। ओए जिस दशा मेरे पति बिना और की होगी, वही बुरी गेर दी मार दशा जानू चोर की होगी। सहेली बन में बाद में घूमने के लिए जाती है तो वहां रणबीर को घूमते फिरते देख लिया पद्मावत ने, तो अब कई दिन तीन रोज बीत जाते हैं, उसके बाद पद्मावत रणबीर को नहीं देख सकती, उस रणबीर के दर्शन नहीं हुए। तो एक दिन की बात, सारी सखी सहेली इकट्ठी होकर बाग में झूलन जा रही, कोई झूले कोई गावे, लेकिन वो पद्मावत एक बिड़े की ओट में गोड्डा में सर दिए बैठी। तो उन सखी सहेलियों ने उस रणबीर को उस परदेशी को घूमते फिरते देख लिया, तन्नू के लागी है पद्मावत की छे, हे बे बेटो हो तो टोई तो क्या देखा, पद्मावत एक बिड़े की ओट में गोड्डा में सर दिए बैठी, न बोलिए बावली आड़े क्यों बैठी से, न बोलिए उस परदेशी ने मेरी जान काट रखी से, बोलिए बेबे तू इतना मारा मत मन मत करे, आ मारी गे ले आऊ और चाल तुम्हें फटावे के कहा। लड़ा करे नरमाना अच्छा चले दो की राजी हो गंगताना अच्छा को दूसरे एक झूठा है पूठा खाना अच्छा को
बड़ी खाट पे शौक नहीं तेरा जाना आचा को जाना आचा को ना हो बुझी सहे न्यू भी उस बुझी सहे वो प्यारा से कतवारा है जिसकी माई तरह भटकती चाल बाग में आया चूली गाई नहीं मन दुख यही वो का माया है जिसकी माई वाले ज्यादा तंग करने लगे तो हाथ जोड़ के वाह करने लगे रे भाई एक दो मिनट मेरे को बात नहीं कर लेंगे। अरिया खास बात वही शटाप की जन सारा जी बोल लगा उकड़ गोर की पत्ती कर लेगी और एक कर जनो कहे तू क्या ना थप्पड़ लगा अरे मारे शटाप की बया तो मर लिया देखी जाएगी पुलिस के महकमे की तो बत्ती जाड़ बाजा रही गणेश स्कूटर पे इनकी तो इसी बात नहीं इतना दुश्मन दिखा जी ब्याह मनाई हाँ ब्याह मनाई दिख जाओ तो किसे दी जाओ ठाकर सुनिए एक बहुत लिया दे जाजर दे तीन कोस बाजिया होगा एक पैक दे दे अगले हर कमरे की एक बोतल और लिया सौ का सौ बात जागा दूसरे क्यों भीतर गली ना हरनी ये हौलदार जो एक को मारेंगे उसके अगले टांग सी गए भाई आराम जादे हाँ जी जाना हो ससुराल में बन गए शरमानते भी को नहीं ते थन सवारी ले जाते कुआ ने बोली रे सा क्यों करो सा भाई क्या बता ओ एक कहूं जोड़ के जोड़ के हाथ मने दो बात कर लेनी दो अपने पति की प्यारी मने मुलाकात कर लेनी दो अरे घना मिनती हाथ मना चाहती मिनती छह सात कर लेनी दो से मन बात आखरी किलो एक छाती बजर का मत खोए बके सामने के महीने में चाहे कोई बालक हो चाहे कोई सुवासिन हो चाहे बूढ़ी हो सब काम मन झूलन में कराया करे और तू किसी साड़े पर जी चाल मारी के ला खड़ी हो तो सामने के महीने का कैसा महत्व तो बताया क्या बताया लोगाई सब झूलने सब गाया करे बुढ़ी थेरी और सवासन कवारी तो कभी गाया करे सासू ससुर पिंग पाटी लेके मोल पुताया करे किस का संधारा किसकी कोठड़ी ये लेके नाई जाया करे लेके नाई जाया करे
खूबे गली तने तेरा खोया इस महीने का रंग न्यारा से जिसकी मारी गले भटकती चाल बाद में सामने विनती करती रही लेकिन उन्होंने एक बात नहीं मानी। आखिर रोने लग जाती है और पैर पकड़े, अरे कम से कम एक बार तो एक बात मान लो। क्या मेरा पति अगर मेरे कहने से मान गया और मुसलमान बन गया तो इसकी जान बच जाएगी, वरना इसको फांसी भी दी जाएगी। क्या बताया भला, चकलन दो मैं जीख तेरे तली
ममता बन के मांगन खारी ईख करिए तली मेरी किस्मत ने अपना और की तो लीख करिए तली तने इतनी बढ़िया बात जाट के सीख करे तली सीख करे तली।